अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 81। आज के इस लेसन में हम 3D पॉलीलाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे पॉलीलाइन और रीजन कमांड में क्या फ़र्क है और रीजन कमांड किस लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आज के इस लेसन में हम हैच कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हैच कमांड आप सोच रहे होंगे कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो ये हैच कमांड 3D के ऊपर कैसे अप्लाई की जाती है, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आप हैच 3D में कैसे अप्लाई करते हो। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले 3D पॉलीलाइन के ऊपर डिस्कस करूंगा। 3D पॉलीलाइन का फंक्शन ये है, मैंने अपने ऑटो कैड ओपन किया, करने के बाद मैं यहाँ से स्विच आइसोमेट्रिक SW आइसोमेट्रिक में आया हूँ, यहाँ से क्लिक किया मेरे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3D पॉलीलाइन होती क्या है, उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, अब इसके ऊपर 3D पॉलीलाइन, इसके ऊपर आप नॉर्मल पॉलीलाइन आप यूज करेंगे तो उस पर जो है तो आपका सही काम नहीं करेगा। तो 3D पॉलीलाइन में क्लिक करता हूँ, मैं इस पॉइंट से क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ ले आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये 3D पॉलीलाइन आप इसमें आ गया, आप देखें इसका फंक्शन क्या है। तो मैं यहाँ से बॉक्स पे क्लिक, सॉरी, यहाँ से मैं इस पर प्रेस पोल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको मैं आगे ले आता हूँ, देखें आगे। अब मैंने फ्रंट पे यहाँ पे एक और लगा ये काम करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से 3D पॉलीलाइन पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, अब दोबारा प्रेस पुल पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं। तो ये था जो ये फंक्शन होता है हमारे पास, 3D पॉलीलाइन का फंक्शन होता है। शिफ्ट को प्रेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें जरा आपका ऑब्जेक्ट कैसा बन गया। तो ये कुछ मेथड होता है, आप 3D पॉलीलाइन की मदद से भी आप अपने ऑब्जेक्ट में क्या क्या काम कर सकते हो, देख सकते हैं। तो ये था जी 3D पॉलीलाइन का फंक्शन। नेक्स्ट जो काम है वो क्या है जी, वो है पर्पज ऑफ रीजन कमांड। तो रीजन कमांड का मकसद तो आपको पता है कि रीजन कमांड किस लिए यूज की जाती है, उस पर क्या काम होता है, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। तो रीजन कमांड का फंक्शन क्या है, 3D रीजन का फंक्शन क्या है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक बनाता हूँ, एक मैं पॉलीलाइन ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सी एंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं अगर सरफेस में कोई काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास इसमें काम नहीं होगा सरफेस में, तो उसके लिए मुझे रीजन करना ज़रूरी है। तो रीजन के लिए मेरे पास ड्रॉ में ऑप्शन है जी रीजन का, ये रीजन का फंक्शन है, क्लिक करें इस पर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें 3D में, स्पेस प्रेस करें, तो देखें आपको ऑब्जेक्ट रीजन में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। अब इस रीजन से क्या क्या आप कर सकते हो, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, इसमें आप सरफेस पे काम कर सकते हो, तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह करेंगे। अब रीजन पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए मैंने जो ही एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो रहा है, देख सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ सेंटर वाला बाहर वाला एरिया एक्सट्रूड हो रहा है, तो उसके लिए आप एक्सट्रूड पे क्लिक करें, सरफेस में आके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करके आप देखें, आप इसे एक्सट्रूड करें, देखें, देख सकते हैं। तो ये मार्क्स क्या है जी, रीजन कमांड का फंक्शन है, देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं अपने रीजन कमांड का फंक्शन। कलर देखिए, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ रीजन का, सरफेस का, अब देखें ये रीजन का फंक्शन है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड, नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो है हैच कमांड, किस तरह आप 3D में यूज करेंगे हैच कमांड। तो हैच कमांड को यूज करने के लिए मैं एक फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको जब मैं यहां से एक्सट्रूड करूंगा, होम में जाके एक्सट्रूड करता हूँ, ओके।
मेरे पास एक्सट्रूड हो गया, अब मेरे पास कोई फेस सिलेक्ट नहीं हो रहा जिसपे मैंने हैज कमांड अप्लाई करनी है या हैज में इस रेक्टेंगल को देना चाह रहा हूँ। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं एच एंटर करता हूँ, एच एंटर हैज के लिए एच एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हैज तो आ रहा है लेकिन मेरे पास कोई एरिया सिलेक्ट नहीं हो रहा जिसके ऊपर हैज अप्लाई होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है, हर एक एरिया को आपने हैज करना है तो आप हर एक को अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे 3D एक्सट्रूड कमांड आप यूज़ करेंगे। तो वो कहाँ पे जी, उसको मैं देखता हूँ कहाँ पे, एक्सप्लोर कमांड है एक, तो आप यहां से कर सकते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आप यहां से इसको एक्सप्लोर करें, तो वो कमांड है आपके पास, ये आप नजर आ रही होगी आपको। एक्सप्लोर पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्सप्लोर हो गया, देख सकते हैं हर एक एरिया इसका अलग अलग हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक्सप्लोर की शॉर्ट कमांड होती है एक्स, एक्स एंटर करेंगे तो एक्सप्लोर हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करना है और अब हैच कमांड अप्लाई करनी है, तो हैच के लिए एच एंटर करें, या फिर आप हैच आपने अप्लाई करना है तो आप उसके लिए हैच के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ में, ड्रॉ में जाने के बाद आप यहाँ पे हैच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला हैच का ऑप्शन आ गया, नजर आ रहा होगा आपको। हैच पे क्लिक करेंगे आप, कह रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और कह रहे हैं पिक पॉइंट, सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट की मर्जी, आप पिक पॉइंट कर सकते हो तो पिक पॉइंट पे क्लिक करें आप, तो आपके पास यहाँ पे हैच अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने तीन चार और तरीके यूज करने, कौन कौन से तरीके यूज करने हैं। मैं यहाँ पे एच एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बॉटम में ही है, अभी बॉटम में है, तो मैंने जो ही एच एंटर किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ पे हैच अप्लाई हो गया, हैच को अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इस हैच में आपके पास एंगल है, साइज है हैच का, साइज कम है ज्यादा करते हैं, टू करता हूँ इसका साइज, देखिएगा अब देखें जरा ये ऐसा आ गया साइज। हैच को चेंज करना है तो डबल क्लिक करें इसके ऊपर, और यहां से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं हैच का, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए तो आप ये वाला स्टाइल वहां पे देखें ले आएंगे, आपको जो भी स्टाइल चाहिए, मेरा मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है मैंने यही रख लिया यहाँ पे, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा है तो मैं इसका साइज कम करता हूँ, वन करता हूँ, देखिए वन आ गया, मैं इसका साइज करता हूँ 0.5 करता हूँ, देखें ये इस तरह आ गया हमारे पास, देख सकते हैं। ओके अब मैंने इसी हैच को मैं टॉप पे भी लाना चाह रहा हूँ, तो टॉप के लिए लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस हैच को सिलेक्ट करके मैं सी पी करूंगा कॉपी, इस हैच को एक कॉर्नर से क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और इसको उठाऊंगा, उठा के टॉप पे ले जाके रखूंगा यहाँ पे। ओके अभी मेरा हैच यहाँ पे कॉपी हो गया, देख सकते हैं कॉपी हो गया, मुझे नीचे वाला अगर हैच नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा, चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस आ जाएगा, या इसको यहाँ से आप नीचे मूव भी कर सकते हैं। अब मुझे फ्रंट पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे हैच लाने के लिए आपने यहाँ पे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में जाके, तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट करेंगे तब आएगा, लेफ्ट पे क्लिक करें, अब लेफ्ट साइड आ गया, अब इस पर आप हैच अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप दोबारा एच एंटर करें, और एच एंटर करने के बाद आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप पूरा स्टाइल लें हैच का, तो मैं यहाँ से देखता हूँ कोई स्टाइल अच्छा सा, मैं ये वाला स्टाइल लेना चाह रहा हूँ, लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास हैच अप्लाई हो गया, देख सकते हैं साइज बहुत ज़्यादा है तो मैं इसका साइज वन करता हूँ, वन भी ज़्यादा है तो आप कर दें यहाँ पे, मैं इसको करता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल टू। ओके तो मेरे पास ये अप्लाई हो गया। अब जब दोबारा मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे टॉप पे आता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से इस आइसोमेट्रिक व्यू में आता हूँ, तो अब देखें ये काफ़ी सारा दूर आ गया हमारे पास, बिल्कुल जहाँ पे मैं देना चाह रहा था वहाँ पे नहीं, इसमें थोड़ा फासला है। अब फासले के लिए मुझे यहाँ पे बाउंड्री लाइन चाहिए, तो बाउंड्री लाइन लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे रिक्रिएट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, अपने ऑब्जेक्ट में आपने क्या लेना है, पॉली लाइन लेनी है, रीजन लेना आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रीजन ले रहा हूँ, बाउंड्री के लिए रीजन ले रहा हूँ, और अपने अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अपने हैच में न्यू बाउंड्री अप्लाई करनी है या वो ही होनी चाहिए, तो न्यू के लिए आप यस करेंगे, वाई एंटर करेंगे तो आप जो ही आपने वाई एंटर किया तो आपके पास देखें एक न्यू बाउंड्री वापस आ गया, आप देख सकते हैं, तो ये बाउंड्री लाइन हमारे पास आ गया, वाई मैंने एंटर किया, तो मैं ये आपको मेथड दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये दूर हो गया, जब ये दूर हो गया तो मुझे अब इसके लिए क्या चाहिए, बाउंड्री चाहिए, क्योंकि मैं जब इसे मूव करूंगा, एम एंटर करता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करके,
मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा, ठीक है, मूव तो हो जाएगा, लेकिन देखिए मेरे पास सही एक्यूरेट ये लगा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सही एक्यूरेट लगा नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी बाउंड्री आपको, आपके पास सोनी मस्ट है, तो बाउंड्री के लिए आप क्या करेंगे, आप रिक्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ना भी करें तो फिर भी आपसे ऑप्शन मांगेंगे, तो आपने पॉलीलाइन देनी है, रीजन देना है, तो मैं पॉलीलाइन दूंगा, पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपसे कह रहा है कि हैच विद न्यू बाउंड्री, नई बाउंड्री से आप हैच लेना चाह रहे हैं, नो नहीं या यस हाँ, तो मैं यस करता हूँ, वाई एंटर करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री लाइन आ गया, अब इससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ इजिली, क्लिक करूंगा इसको और यहाँ पे देखें इसको मूव करके यहाँ पे रखूंगा, तो मेरे पास सही एक्यूरेट मेरे पास देखें एक बाउंड्री से बस आ गया, देख सकते हैं एच पे आ गया, और इस लाइन को आप डिलीट कर दें। ओके अब देखें यहाँ पे आ गया, अब यही काम आपने यहाँ पे करना है, तो ये हमारे पास कौन सी साइड है जी, आपके पास ये राइट साइड है, ये फ्रंट, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट पे देखिए फ्रंट है, तो फ्रंट के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट पे आता हूँ, तो फ्रंट को यहाँ पे ले आता हूँ, या आप यहाँ पे टॉप वाली साइड पे यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, फ्रंट पे क्लिक करेंगे, फ्रंट पे आ गए आप। ओके फ्रंट पे आने के बाद आप इसको भी हैच अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हैच एंटर करेंगे, अपने फ्रंट वाले पॉइंट को सिलेक्ट करें और स्टाइल जो भी देना है आप यहाँ से स्टाइल दे दें, तो मैं यहाँ पे कोई नया स्टाइल देना चाह रहा हूँ, इसको स्टार वाला स्टाइल देना चाह रहा हूँ, स्टार वाला स्टाइल दिया, साइज बहुत ज़्यादा है, 4 करता हूँ। ओके दोबारा मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पीछे है, तो इसके लिए भी वही काम करना है, सिलेक्ट करें, रिक्रिएट पे क्लिक करें और पॉलीलाइन यस यस करके एंटर करें और इसको यहाँ पे मूव कर लें, इस पॉइंट में ले आए और यहाँ पे इसको ये ले आए। ओके जी हमारे पास देखिए हैच अप्लाई हो गया है, और आप हैच इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे बैक है, तो यहाँ पे अपने बैक साइड पे जाना है, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से फ्रंट के बाद बैक पे क्लिक करें, तो बैक साइड आपके सामने आ जाइए, आप उस बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। तो बैक साइड पे लाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से कस्टम व्यू में जाएं और यहाँ से आप इसको करें जी बैक, तो ये बैक साइड आ जाएगी, फ्रंट करेंगे फ्रंट साइड आ जाएगी, और आप हर साइड पे यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं, तो बैक साइड पे भी लगाना है तो बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट दोबारा व्यू में आता हूँ। ओके तो मेरे पास बैक साइड पे नहीं लगा हुआ, लेकिन वो बैक साइड वाला दूसरी साइड बता रहा है, और उसके अलावा मेरी इस साइड पे भी नहीं लगा हुआ, तो आप इसी तरह यहाँ पे दोनों साइडों पे लगा सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ये जो आपके पास फ्रंट में ये वाला जो आ रहा है, ये जो एरिया है, इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी करें, CP एंटर करके इसको यहाँ से उठा के ना, तो आप इस साइड पे रख लें, रख दिया, रखने के बाद आपने आपको ये वाला नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करके आप इसमें स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपने स्टाइल देना है आप देखें। ओके मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए तो मैं वाला स्टाइल रख लिया, देख सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास फंक्शन जी हैज को अप्लाई करने का, हैज तो अप्लाई हो गया, लेकिन अब हैज में आपने अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से इसको रियल इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ, या फिर शेडेड ग्रे जो भी आपकी मर्जी है, तो मैं रियल इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास हैज अप्लाई हो गया, देख सकते हैं देख सकते हैं। अब ये हैच अप्लाई हुआ तो मैं चाहता हूँ ये हैच जो है मेरे पास, तो ये इस तरह आए मेरे पास सामने कि जैसे उभरा हुआ होता है, सही, जिस तरह दीवारें होती हैं उभरी हुई, तो वैसे आए, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे अपने हैच को और होम में जाएं और यहाँ से दोबारा वही काम करें जो आपसे पहले हमने किया था, मॉडिफाई में जाके इसको यहाँ से एक्सप्लोर करें और सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, ये अलग अलग हो गए सारे, कंट्रोल जेड, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। ओके एक्सप्लोर करने के बाद देखें कुछ एरिया मेरे पास आ रहा है, देखें
जिस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा, इसको करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा, तो मैं इसके सेंटर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। बस मैंने यहाँ पे इसको कर लिया, उसको छोड़ें, और यहाँ पे मेरे पास ये एक्सप्लोड हो गया, देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेस पोल पे काम करता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरे पास ये काम करेगा कि नहीं। प्रेस पोल पे मैंने क्लिक किया, स्टार को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आई थिंक इस पे काम नहीं हो रहा। चलें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि प्रेस पुल का फंक्शन क्या होगा इसमें आपके ऑब्जेक्ट में। मैं यहाँ पे फिर एक बार फिर ट्राई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा जाके तो मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, दोबारा से करता हूँ, ओके यहाँ पे इस पे काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं करके देख लेता हूँ। ये बिल्कुल लग हो जाता है। चलें ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे किस पे क्या काम होगा, किस तरह काम होगा, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है और बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इस चीज़ को। तब तक जहाँ तक हमने जो काम किया, जिस तरह हमने हैच अप्लाई किया, तब तक आप इस पे काम करें, कोशिश करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में या जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि हैच को आप प्रेस पुल या प्रेस बैक या फिर एक्सट्रूड कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।